हाँ, स्टेट तो बड़ा है ही, लेकिन मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि जिस भरोसा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई ने हमारे ऊपर रखा है, एक बड़े स्टेट की जिम्मेदारी और उसके साथ साथ चैलेंज को मीट विथ करने का जो भरोसा मेरे ऊपर रखा है, मैं निजी तौर से भी पार्टी का और हमारे दोनों शीर्षस्थ नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूँ। और इतने सालों के संगठन के जो हमारे करीबन 30 साल से मैं गुजरात में और गुजरात के बाहर राष्ट्रीय महासचिव किसान मोर्चा में भी देश भर का प्रवास हुआ है और काफ़ी कार्यकर्ता हमारे संपर्क में भी हैं, तो इस समय जो हमारे चैलेंज है विथ ऑल काइंड ऑफ चैलेंजेस, तो मैं तो ईश्वर से ही प्रार्थना करूंगा कि पार्टी को सफलता मिले और नरेंद्र भाई को 2019 से फिर इस राष्ट्र की सेवा करने का उत्तर प्रदेश की जनता वो अवसर दें, ताकि गरीबों का, पिछड़ों का, खास करके अपने पैरों पे खड़ा हो सके और आत्मसम्मान से जिए। और जिस तरह से 4.5 सालों में नरेंद्र भाई ने जो गरीबोत्थान का काम किया है, चाहे वो स्वच्छता का हो, शौचालय का हो, या तो अपना घर बनाना हो, जो एक स्वप्न है भारत के लोगों का, तो वो पूरा हो, और इसके लिए किसानों का भी MSP को तय करना, साइंटिफिक वे में तय करना, और आने वाले दिनों में देश को दुनिया के सामने हम रख पाएं कि इंडिया इज नाउ नॉट द कंट्री विच वॉज इन पास्ट। भारत एक बहुत बड़ा वैश्विक स्तर पे भी आगे बढ़े। पार्टी का तो सम्मान होगा ही, लेकिन हर भारतीय का सम्मान बढ़े, यही सोच और इसी उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं। आपके 30 साल के जो पॉलिटिकल संगठन में काम किया है, काफी साल ऐसा रहे कि नरेंद्र भाई मोदी से आप मिलना भी उनके ये नहीं मानते थे, और हम नरेंद्र भाई तो ये जो आपका एक पार्टी से काफी साल बाहर भी रहे और दोनों से अनबन रही, मगर फिर भी आज इतना। देखिए, जो पार्टी में इतने लंबे कार्यकाल में मैं राजनीति में था ही नहीं, मैं तो संघ परिवार से आके विश्व हिंदू परिषद का राम जन्मभूमि आंदोलन वगैरह से जुड़ा था, जब नरेंद्र भाई संघ के प्रचारक रहे थे। उस समय से हमारा नाता राजनीति से पहले का है। एक कार्यकर्ता के नाते उन्होंने हमें बहुत नज़दीकी से समझा है, जाना है, और भाजपा को गुजरात में सत्ता पर लाने के लिए जो योगदान रहा है नरेंद्र भाई का बहुत बड़ा रहा है, लेकिन साथ साथ हमारे जैसे कार्यकर्ताओं का भी, उनका मार्गदर्शन भी मिला है, और राजनीति में लाने का श्रेय अगर है तो नरेंद्र भाई को जाता है, क्योंकि मैं तो कारपोरेशन का चुनाव भी नहीं लड़ा था और विधायक बना दिया, मंत्री बना दिया, महासचिव बना दिया, मैंने कभी कुछ मांगा नहीं है, आज भी कोई जिम्मेदारी मांगी नहीं है। मैं इतना ही कहता हूँ कि नरेंद्र भाई मेरे लिए जो है वो कल थे, वो आज भी वही नरेंद्र भाई हैं। एक समय ऐसा था कि आपने नरेंद्र भाई से नाराज होकर पार्टी भी बना ली थी, किशोर भाई के साथ एक संगठन बनाया था उसी समय। देखिए, उस समय थोड़ा मनमुटाव हुआ होगा, लेकिन मैं और मेरा अहम देश से बड़ा नहीं है, और जब पार्टी को मातृत्व का स्वीकार करके उनकी गोद में बैठे हैं, तो माँ का सम्मान हमारा निजी सम्मान से कई बड़ा होता है और राष्ट्र व्यक्ति से बहुत बड़ा होता है। इसलिए हमने मर्जर भी किया, और मर्जर के समय हमने कोई सौदा नहीं किया था कि मुझे टिकट चाहिए, मुझे कोई सरकार में कोई पद चाहिए। इतना ही कहा था नरेंद्र भाई को कि आपके पास आया हूँ, मैं सौदाबाजी नहीं करता, मैं अपने कार्य से आपको उचित लगे वैसा हमें सम्मान हमेशा देते रहिए। और आज मुझे पक्का हो गया कि वही नरेंद्र भाई ने अपने सीने से जैसे लगाया है, ऐसा काम सौंपा है।
जब नरेंद्र भाई ने कार्यकाल संभाला तो क्या नाराजगी थी आपको, उससे अलग होना पड़ा किस तरह? नहीं, नरेंद्र भाई के साथ तो मैं कैबिनेट में भी रहा हूँ, नाराजगी वैसा तो कोई थी ही नहीं। और उस समय भी ग्रह जैसा विभाग जब नरेंद्र भाई ने सौंपा है तो उसका मतलब है कि नरेंद्र भाई के को हमारे लिए हृदय में क्या है। और आज भी वही है, समय तो ठीक है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव पड़ाव आते हैं, लेकिन मैं स्वयं सेवक आज जन्म हूँ और आजीवन रहूँगा, तो इससे बड़ा दायित्व और क्या हो सकता है। देखिए देखिए, देश की राजनीति में गठबंधन होना, गठबंधन टूटना, सारे विचार के लोगों को इकट्ठा होना, लेकिन ज्ञाति जाति प्रांत भाषा और संप्रदाय के नाम से कांग्रेस और बाकी जो विचारधाराएं हैं वो खंडित करने वाली है। ये राष्ट्रवाद है वो जीतेगा, इसलिए हम चाहेंगे कि चैलेंज बड़ा है। मैं मानता हूं कि आज यूपी में काम करना इट्स ए बिगेस्ट चैलेंज टू मी एंड माय पार्टी, लेकिन चैलेंज को उठाना ही तो हमारा कर्तव्य है ना। अगर ऐसे मौके में हम सफल हो और नरेंद्र भाई जैसा व्यक्ति जिन्होंने राष्ट्र को अपने जीवन को समर्पित किया है, राष्ट्राय स्वाहा, जिनका निजी कुछ नहीं है, ऐसा व्यक्ति तो देश में ढूंढने से भी नहीं मिलता। तो देश का सौभाग्य है कि एक व्यक्ति ने अपना जीवन समर्पित किया, वो भी राष्ट्र को समर्पित किया। और आज परिवारवादियों की पार्टियां चलती हैं, वहां एक छोटा सा आदमी देश का प्रधानमंत्री बने, किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि इतने सालों में आज़ादी के पश्चात जिस तरह से परंपरा चली कांग्रेस की, परिवार की, ये तो देश का आने वाला भविष्य ही कहेगा कि भारत किन ऊंचाइयों पे पहुंचेगा। तो मैं तो उत्तर प्रदेश की जनता से भी यही अपील करूंगा कि हम ज्ञाति जाति वर्ग प्रांत और भाषा के संप्रदायों में बंट जाएंगे तो भारत का इतिहास का कालखंड रहा है सन 712 से,